नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर आपके ख़त्म कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर था आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट जो युक्तियाँ थीं उन्हें हम लोगों ने देख लिया था। आज बात हम लोग करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ये आपका 4th नंबर का चैप्टर है। याद रखना है आपको, जितने भी हम लोग कंप्यूटर से संबंधित आपके चैप्टर ख़त्म करेंगे, इतना पढ़ने के बाद जो हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे वो भी आप लोग देख लेंगे, तो उसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखना, ये सभी आपके चैप्टर कंप्लीट कंप्यूटर क्लास के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है वहाँ मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट सूची को आप लोग कवर कर लेते हैं तो आप लोगों की हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, फिर चाहे वो लिखित में हो, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी किसी कंप्यूटर के उन अवयवों, साधनों और रिकॉर्ड करने वाले माध्यमों को कहा जाता है जिनसे प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले अंकीय डेटा, डिजिटल डेटा को किसी समय तक रखा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों में से एक है, अथवा सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करती है। मेमोरी का मतलब ये समझ लीजिए आप लोग, किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को आप लोग आगे के लिए उपयोग के लिए संभाल के रखते हैं, उसे हम लोग मेमोरी कह सकते हैं। वास्तव में मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। अब ये स्टोर किस लिए किए जाते हैं? क्योंकि हमें आगे उसका उपयोग होता है हमारे लिए। यदि यह भाग ना हो तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला कोई भी डेटा तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस भाग का महत्व स्पष्ट है। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी तथा सहायक मेमोरी। इनमें से मुख्य मेमोरी को CPU का भाग माना जाता है तथा सहायक मेमोरी उससे बाहर चुंबकीय माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, टैप आदि के रूप में होती है। दोनों प्रकार की मेमोरी में लाखों की संख्या में बाइट्स होती है जिनमें सभी प्रकार के डेटा और आदेश बाइनरी संख्याओं के रूप में भंडारित किए जाते हैं। किसी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार जितना ज़्यादा होता है उसकी प्रोसेसिंग गति उतनी ही ज़्यादा होती है। बात करते हैं मेमोरी के अनुक्रम। मेमोरी को 2 आधार पर विभाजित किया जाता है, एक क्षमता के और दूसरा आपका एक्सेस समय के आधार पर। क्षमता सूचना की वह मात्रा है जिसे मेमोरी स्टोर कर सकती है। एक्सेस समय समय का वह अंतराल है जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट तथा उस रिक्वेस्ट के प्रतिपादन में लगता है। ये एक्सेस समय जितना कम होता है मेमोरी की गति उतनी ही अधिक होती है। चित्र में मेमोरी अनुक्रम को बढ़ती गति और घटते आकार के रूप में दर्शाया गया है। ये आपका मेमोरी अनुक्रम, ये आपका गति और ये आकार के रूप में। CPU, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टैप, इस तरफ आप लोग जाएंगे तो इसकी गति स्पीड बढ़ेगी और आकार छोटा होता जाएगा इस तरफ। ठीक है, मेमोरी के मापदंड, तो स्टोरेज कैपेसिटी, यह मेमोरी के साइज को प्रदर्शित करती है। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी को वर्ड या फिर वाइट में मापा जाता है। एक्सेस मोड, किसी भी मेमोरी की बहुत सारी लोकेशन होती हैं। इन मेमोरी लोकेशन से इन्फॉर्मेशन को रैंडमली या सिक्वेंसली तथा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। एक्सेस टाइम वह टाइम है जो कंप्यूटर के रीड और राइट ऑपरेशंस को संपन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हम लोग आगे मापन की प्राथमिक इकाइयाँ। मापन की
प्राथमिक इकाइयां। कंप्यूटर की सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर के द्वारा हैंडल की जाती हैं, जो किसी सिग्नल की केवल दो अवस्थाएं पहचानती हैं, उपस्थिति और अनुपस्थिति। इन अवस्थाओं को पहचानने के लिए दो प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 0 और 1 से, जिसे हम लोग बिट भी कहते हैं। 0 सिग्नल की अनुपस्थिति, 0 सिग्नल किसके इंगित करता है? अनुपस्थिति को, और 1 सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। 1 बिट कंप्यूटर की वह सबसे छोटी यूनिट है जो केवल 0 या 1 स्टोर कर सकती है, क्योंकि एक सिंगल बिट केवल 1 या 2 ही मान स्टोर कर सकती है। कंप्यूटर में जब हम रैम रोम फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो डेटा कुछ यूनिट्स में से वो स्टोर होता है, जैसे निबल बिट वाइट किलोबाइट मेगाबाइट और गीगाबाइट कहते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। बिट बिट बाइनरी डिजिट को निरूपित करता है। एक सिंगल डिजिट है जिसमें 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। 0 का तात्पर्य ऑफ से है और 1 का तात्पर्य ऑन से है। तो सबसे छोटी आपकी इकाई हो गई बिट। निबल निबल में 4 बिट होती हैं। 2 निबल 1 बाइट के बराबर होते हैं। याद रखना, आपका पूछ लेता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट, फिर है आपकी निबल, फिर वाइट। वाइट लगभग 1 करेक्टर है, जैसे लेटर ए, नंबर 1, प्रतीक, क्वेश्चन मार्क। 8 बिट के एक समूह को वाइट कहते हैं। फिर है किलोबाइट। मेमोरी में 1024 वाइट को 1 किलोबाइट कहते हैं। फिर है आपका मेगाबाइट। क्या है? मेगाबाइट मेमोरी में 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट कहते हैं। इसका तात्पर्य 1 मिलियन वाइट या 1000 किलोबाइट से होता है। फिर आपका गीगाबाइट। मेमोरी में 1024 मेगाबाइट के समूह को 1 गीगाबाइट कहते हैं। इसका तात्पर्य 1 बिलियन वाइट या 1000 मेगाबाइट से है। अधिकतर चिप बनाने वाली कंपनियां मेगाबाइट और गीगाबाइट का प्रयोग करती हैं, जैसे 64 MB, 128 MB, 256 MB, 1.2 GB। फिर आपका टेराबाइट। 1 टेराबाइट में अधिक से अधिक 10^40 वाइट अर्थात 1024 GB 1 ट्रिलियन वाइट होती है, यानी कि 10^12। फिर पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट या फिर 2^50 वाइट के बराबर होती है। एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट या फिर 2^60 वाइट के बराबर होती है। जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट या फिर 2^70 वाइट्स के बराबर होती है। इसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेमोरी की इकाइयां 1 बिट बाइनरी डिजिट, 8 बिट 1 बाइट बराबर 2 निबल, 1024 वाइट्स बराबर 1 किलोबाइट या KB, ठीक है। 1024 किलोबाइट 1024 KB बराबर 1 MB मतलब 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1024 MB बराबर 1 GB यानी कि गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट आपका 1 टेराबाइट 1 TB के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट आपका 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 पेटाबाइट आपका 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। 1024 एक्साबाइट आपका 1 जेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट के बराबर होता है। 1024 योटाबाइट 1 बॉन्टोबाइट के बराबर होता है। 1024 बॉन्टोबाइट 1 जीओबाइट के बराबर होता है, ठीक है। ये थी आपकी मेमोरी की इकाइयाँ। बात करते हैं हम लोग मेमोरी के प्रकार, टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक मेमोरी, इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं।
फिर है आपकी द्वितीयक मेमोरी, इसे आप लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है इसे। बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। इसे आप लोग आंतरिक मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होती है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या उनके इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उन्हें हटाकर दूसरे डेटा या फिर प्रोग्राम रखे जा सकते हैं। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है, परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है, ताकि जब भी किसी डेटा की ज़रूरत हो तो इसमें से तुरंत लिया जा सके। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार जितना ज़्यादा होता है, वह कंप्यूटर उतना ही तीव्र माना जाता है। बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के आपके कुछ भाग, दो भागों में बांटा गया है इसे प्राइमरी मेमोरी को। इसमें आपका पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी का एक चिप की तरह होती है, जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। पूछ लेगा ये तो याद रखना है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है, वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। अर्थात रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का उपयोग डेटा को स्टोर करने और उसमें मेमोरी में उपस्थित डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। रैम में उपस्थित प्रत्येक लोकेशन का अपना एक निश्चित पता है। इस पते के द्वारा ही सीपीयू को यह बताया जाता है कि मेमोरी की किस लोकेशन में सूचना स्टोर करनी है या किस लोकेशन से सूचना प्राप्त करनी है। रैम दो प्रकार की होती है, आपकी रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। एक प्रकार है आपके डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम के बारे में बात करते हैं हम लोग पहले। इसे डी रैम भी कहा जाता है। डी रैम चिप के स्टोरेज सेल परिपथों में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार कोई ऑन ऑफ स्विच करता है। और इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होता है, जो एक विद्युत चार्ज को स्टोर कर सकता है। ट्रांजिस्टर रूपी स्विच की स्थिति के अनुसार वह कैपेसिटर चार्जर्ड भी हो सकता है और अनचार्जर्ड भी हो सकता है। इन स्थितियों को क्रमशः 0 बिट और 1 बिट माना जाता है, परंतु कैपेसिटर का चार्ज लीक हो सकता है, इसलिए उस चार्ज को फिर से भरने या उत्पन्न करने का प्रावधान अथवा अर्थात रिफ्रेश किया जाता है, जिसके कारण इसकी गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार डायनेमिक रैम चिप ऐसी मेमोरी की सुविधा देता है, जिसकी सूचना बिजली बंद करने पर नष्ट हो जाती है। डी रैम के आपके उदाहरण हैं, जैसे SDRAM, RDM, RDRAM, DDRAM। इनके आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है कई बार आपका। फिर आपका स्टैटिक रैम, इसे SRAM के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। स्टैटिक रैम में स्टोरेज सेल परिपथों में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है। स्टैटिक रैम अधिकतर उस केस की तरह उपयोग किया जाता है। डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम अधिक महंगी होती है। SRAM के यानी कि स्टैटिक रैम के उदाहरण इस प्रकार हैं: नॉन वोलेटाइल SRAM, स्पेशल SRAM और एसिंक्रोनस SRAM, सिंक्रोनस SRAM। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रीड ओनली मेमोरी के बारे में। ये आपकी प्राथमिक मेमोरी की भाग है। इसे संक्षेप में हम लोग ROM कहा जाता है। क्या कहते हैं? ROM। इस मेमोरी में उपस्थित डेटा तथा निर्देश स्थायी होते हैं, जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इन्हें डेटा और निर्देशों में परिवर्तित करना संभव नहीं है।
डेटा और निर्देशों के स्थायी होने के कारण कंप्यूटर ही विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इस चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित रहती हैं, अर्थात रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और आपकी रैम वोलेटाइल मेमोरी थी। वास्तव में रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ आवश्यक डेटा प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। रोम का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। रोम के निम्न प्रकार होते हैं, ये आपका रोम है, देख लीजिए। रोम के प्रकारों में आपका पी रोम है, प्रोम, यह प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है का संक्षिप्त नाम है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। साधारण मेमोरी में ट्रांजिस्टर स्विचों को स्थायी रूप से ऑन ऑफ स्थितियों में सेट कर दिया जाता है, लेकिन प्रोम पीरोम मेमोरी के मामलों में चिप को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके सभी स्विचों को ऑन करके छोड़ दिया जाता है। जब इस मेमोरी में कोई सूचना भरनी होती है तो एक उपकरण जैसे प्रोम प्रोग्रामर या वर्नर भी कहा जाता है द्वारा ऐसी उच्च वोल्टेज के पल्स उत्पन्न किए जाते हैं जिनसे कुछ चुने हुए स्विच नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वे स्विच 1 और 0 हो सकती हैं। इस प्रकार प्रोम चिप में सूचनाएं स्टोर कर दी जाती हैं। प्रोम मेमोरी को भी केवल एक बार ही प्रोग्राम द्वारा भरा जा सकता है। रोम की तरह यह भी स्थायी होती है और बाद में इसे बदला नहीं जा सकता। फिर आपकी ई प्रोम, यह इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसको फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसकी सूचनाओं को चिप में ही रखी गई विद्युत धारा के द्वारा स्थायी रखा जाता है। किसी ई प्रोम की सूचनाओं को उस सर्किट से हटाकर उसमें बनी हुई एक छोटी सी खिड़की से अल्ट्रा वायलेट किरणें डालकर साफ किया जा सकता है। बाद में से ई प्रोम बर्नर की सहायता से फिर से रीप्रोग्राम किया जाता है, यानी कि हटाया भी जा सकता है और उनमें संगीत की जा सकती है सूचना। ई प्रोम से भरी सूचनाएं भी स्थायी होती हैं क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ कर देने के बाद ई वे नष्ट नहीं होती हैं। फिर है आपका ई प्रोम, यह इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। यह एक ऐसी ई प्रोम है जिनको फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने और निर्माता को भेजने की आवश्यकता नहीं होती। आप इसको एक विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से अपने कंप्यूटर में ही प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें यह विशेषता भी है कि फिर से प्रोग्राम करने के लिए इसकी सारी सूचनाओं को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। आप एक बार में इसकी एक बाइट को साफ करके फिर से लिख सकते हैं। इसमें प्रायः कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सूचनाएं रखी जाती हैं। फ्लैश मेमोरी, यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित रहती हैं तथा रीराइटेबल पुनः लिखने योग्य मेमोरी जिसे डिजिटल कैमरों में मोबाइल फोन पेंटर इत्यादि में उपयोग किया जाता है फ्लैश मेमोरी को। वर्चुअल मेमोरी, अब आपका पूछ लेता है जैसे वन डे एग्जाम में कैसे पूछेगा एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव रूम में कि फ्लैश मेमोरी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, या पूछ लेगा कि डिजिटल कैमरों में किस तरह की मेमोरी का उपयोग करते हैं तो फ्लैश मेमोरी। और आपका लिखित में पूछ रहा है, अगर पूछता है फ्लैश मेमोरी क्या है तो ये आपको परिभाषा लिख देनी है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी, ये एक काल्पनिक मेमोरी क्षेत्र है। वर्चुअल मेमोरी सीपीयू के निर्देश अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। ये मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता को बढ़ाती है जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ती है। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग तब किया जाता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता कम पड़ रही है। ऐसी स्थिति में प्रोग्रामों की को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है तथा प्रोग्राम के टुकड़ों को वर्चुअल मेमोरी
तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्वैप करके प्रोग्राम चलाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग द्वितीयक मेमोरी की। ये थी आपकी अभी तक प्राथमिक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य या फिर सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण ना तो हम इन्हें उसे इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं और ना ही हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है और डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। बस इसमें एक कमी ही है, इन माध्यमों से डेटा को लिखने पढ़ने में समय बहुत लगता है, इसलिए हम इसमें ऐसी सूचनाएं भंडारित करते हैं जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो, जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती हो। यही आपका कैश मेमोरी है, इसे भी देख लेते हैं। यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेजी से करने की सुविधा प्रदान करती है। सामान्यतः प्रोसेसर को रैम मेमोरी से कोई डेटा पढ़ने में 180 नैनोसेकंड का समय लग जाता है। कैश मेमोरी से बार बार आवश्यक डेटा केवल 45 नैनोसेकंड में प्राप्त किया जा सकता है। कैश मेमोरी का उपयोग करने से आपके कंप्यूटर की दक्षता काफ़ी बढ़ जाती है। कैश मेमोरी प्रोसेसर और मानक डीरैम मॉड्यूलों के बीच एक बफर के रूप में रहती है। नवीनतम निर्देश और उसके डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। जब प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वह कैश मेमोरी को ही देखता है। यदि सूचना कैश मेमोरी में ना हो तो उसे मुख्य मेमोरी में देखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। हम सहायक मेमोरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं। यह मेमोरी कुछ चुंबकीय उपकरणों के रूप में होती है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या सॉलिड स्टेट डिस्क। इन उपकरणों के बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। सहायक मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए किया जाता है। जब हमें किसी डेटा की तत्काल आवश्यकता नहीं रहती है तो उसे किसी चुंबकीय माध्यम जैसे फ्लॉपी डिस्क या चुंबकीय टेप पर नकल करके अलग सुरक्षित कर लिया जाता है। ऐसा प्रयास हार्ड डिस्क को खाली करने के लिए किया जाता है ताकि उस पर ऐसी मेमोरी भरा जा सके जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो और डिस्क पर जगह ना हो। बैकअप साधन में भंडारित किए गए डेटा को आगे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर फिर हार्ड डिस्क पर उतारा या नकल किया जा सकता है। प्रारंभिक कंप्यूटरों में छिद्रित कार्ड, पेपर टैप या चुंबकीय टैबों का उपयोग सहायक भंडारण के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल मुख्य रूप से चुंबकीय डिस्कों का प्रयोग इस कार्य हेतु किया जाता है, जो इस प्रकार से सुविधाजनक है। सहायक मेमोरी के रूप में आजकल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रचलन है। इसके लिए अपने विशेष उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से इन सूचनाओं पर लिखी जाती हैं। इन सूचनाओं को उनकी ड्राइव कहा जाता है। जैसे आपके उदाहरण में आप बता सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, हार्ड डिस्क है आपका सीडी रोम, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीबी, मेमोरी डिस्क, ब्लू रे डिस्क। अब बात करते हैं कुछ द्वितीयक सेकेंडरी जो आपकी स्टोरेज डिवाइस हैं उनके उदाहरण के रूप। तो अब बात करते हैं हम लोग फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क माइलर की बनी हुई एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों ओर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। यह एक प्लास्टिक के चौकोर कवर में संरक्षित रहती है जिसके भीतर फ्लॉपी की सफाई करने वाली मुलायम लाइनें होती हैं। ये 3 आकारों में उपलब्ध होती है। यह आपकी फ्लॉपी डिस्क।
8 इंच, 5 सही 5 सही 1/4 इंच, 3 सही 1/2 इंच। इसमें बीच की दूरी हब किसी धातु की बनी होती है। इसके ऊपर किनारों पर खिसकने वाला ढक्कन होता है जो लिखने पढ़ने के खुले स्थान को पूरी तरह ढक लेता है। इसका लिखने का सुरक्षित छिद्र आयताकार होता है जिसमें एक छोटा सा प्लास्टिक का टैब या टुकड़ा होता है। यह टैब दो स्थितियों में रखा जा सकता है। एक स्थिति में रहने पर फ्लॉपी डिस्क पर कुछ भी लिखा जा या पढ़ा जा सकता है और दूसरी स्थिति में रहने पर उसमें केवल पढ़ा जा सकता है। फ्लॉपी पर डेटा को कुछ साकेंद्रीय वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता है जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं। हर टैग कई भागों में बटा होता है जिसे हम लोग सेक्टर कहते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। एक सेक्टर में 512 बाइट होती हैं। इसकी प्रति इंच चौड़ी सतह पर 135 ट्रैक बने होते हैं। प्रत्येक ट्रैक पर कुछ महीन चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं। एक दिशा में बनाए गए चिन्ह वाइनरी अंक 1 को व्यक्त करते हैं और उसकी विपरीत दिशा में बनाए गए चिन्ह वाइनरी 0 को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार चुंबकीय डिस्कों पर वाइनरी कोड में कोई भी सूचना अंकित की जा सकती है। फ्लॉपी डिस्क पर कोई सूचना लिखने या उससे पढ़ने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD कहा जाता है। फ्लॉपी को इस ड्राइव में लगा दिया जाता है तो वह धातु को धुरी को जकड़ लेता है और डिस्क को घुमाना शुरू कर देता है। ड्राइव का रीड राइट हेड आगे पीछे चल सकता है। इससे वह फ्लॉपी के किसी भी डिस्क के किसी भी सेक्टर में डेटा लिख सकता है या उससे डेटा पढ़ सकता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में फ्लॉपी को उसी प्रकार लगाया जाता है जिस प्रकार किसी कैसेट प्लेयर आपने देखा होगा। अब तो शायद बंद हो गया है इस तरह की कैसेट प्लेयर। कैसेट को लगाया जाता है। आजकल फिलहाल हर कंप्यूटर में एक फ्लॉपी ड्राइव अवश्य होती है। बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इन्हें फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। ये कई आकारों और क्षमताओं में मिलती हैं लेकिन इनकी बनावट और कार्य प्रणाली लगभग एक ही होती है। कोई हार्ड डिस्क एक ही धुरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्कों का समूह होता है। प्रत्येक डिस्क की सतहों पर किसी चुंबकीय पदार्थों का लेप होता है जिस पर चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं। सबसे ऊपरी और सबसे नीचे डिस्क की बाहरी सतहों को छोड़कर अन्य सभी सतहों पर डेटा स्टोर किया जाता है। ऐसा प्रत्येक सतह के लिए एक अलग रीड राइट हेड होता है जो आगे पीछे सरक सकता है। एक साधारण हार्ड डिस्क की संरचना चित्र में दिखाई गई है। ये आपकी हार्ड डिस्क हेड आर्म, ये आपका स्पेंडल, ये यहाँ रीड राइट हेड हो गया जो पढ़ने का काम करता है या लिखने का, ये आपके प्लेटर्स, ये आपका सेक्टर्स टैक्स। किसी हार्ड डिस्क में डिस्क की को तेजी से घुमाया जाता है। इनके घूमने की गति 3600 चक्कर प्रति मिनट होती है। 3600 चक्कर प्रति मिनट से लेकर 7200 चक्कर प्रति मिनट तक होती है। रीड राइट हेड और डिस्क की सतह के बीच लगभग 0.064 इंच का अंतर होता है। सभी डिस्क एक साथ घूमती हैं और सभी रीड राइट हेड एक साथ आगे पीछे सरकते हैं परंतु डेटा लिखने और पढ़ने के लिए एक समय में केवल एक ही रीड राइट हेड को चुना जाता है। इस प्रकार विभिन्न रीड राइट हेडों को चुनते हुए किसी भी सतह के किसी भी सेक्टर से डेटा पढ़ा या फिर उस पर लिखा जा सकता है। आधुनिक हार्ड डिस्कों की क्षमता 200 गीगाबाइट तक होती है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की हार्ड डिस्क भी उपलब्ध है जिन्हें वेंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। इनकी क्षमता 20 गीगाबाइट से 80 गीगाबाइट तक होती है। हार्ड डिस्क सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करने का बहुत विश्वसनीय माध्यम है।
और इनका उपयोग करने की गति भी पर्याप्त होती है, लेकिन ये धूल आदि के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, जिसके कारण इनको एक डिब्बे में स्थायी रूप से बंद रखा जाता है और सिस्टम यूनिट के भीतर लगा दिया जाता है। फिर है आपकी मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक एक प्रकार का मेमोरी कार्ड है। ये USB आधारित मेमोरी ड्राइव है। इसका आकार 50.0 × 21.5 × 2.5 mm होता है। इसकी क्षमता 4 MB से 256 GB तक होती है। कितनी होती है? 4 MB से 256 GB तक। फिर आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में बात करें तो एक विशेष प्रकार की डिस्क मेमोरी है, जिन पर डेटा प्रायः एक बार ही लिखा जाता है, फिर उसे कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। यह एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है। इनमें प्रायः ऐसी सूचना स्टोर की जाती हैं जो स्थायी प्रकृति की हों तथा जिनकी आवश्यकता बार बार पड़ती हो, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी, हवाई जहाज़ों की उड़ान की समय सारणी, पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची, कानूनी सूचनाएं, फिल्म आदि। इन पर डेटा लिखने पढ़ने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। यह प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है, जिन पर दोनों ओर एल्यूमिनियम की परत पतली परत लगी होती है। इस परत पर पारदर्शक प्लास्टिक की परत होती है, जिससे यह सुरक्षित रहती है। इस पर डेटा स्टोर करने की विधि चुंबकीय डिस्क से अलग होती है। चुंबकीय डिस्क पर जहाँ केंद्रीय वृत्ताकार ट्रैक होते हैं, वहीं कॉम्पैक्ट डिस्क पर एक सर्पिलाकार डिस्क ट्रैक होता है। इस प्रकार डेटा को रिकॉर्ड करने की विधि भी अलग होती है। चुंबकीय डिस्क पर चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं, जबकि CD पर गड्ढों और भूमि के रूप में डेटा स्टोर किया जाता है। कोई गड्ढा प्रकाश को बिखेर देता है, जबकि भूमि प्रकाश को लौटाती है। इसमें क्रमशः 1 और 0 को व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण CD पर सूचनाओं को समान घनत्व के साथ स्टोर किया जाता है, अर्थात ट्रक की लंबाई में सूचनाओं को स्टोर करने की मात्रा समान होती है। इसलिए सूचनाएं पढ़ते समय डिस्क के घूमने की गति बदलती रहती है। उसे इस प्रकार घुमाया जाता है कि प्रति सेकंड पढ़ी जाने वाली वाइटों की संख्या निश्चित रहती है। इसे हम लोग स्थिर रेखीय गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर रेखीय गति। एक CD की भंडारण क्षमता 680 MB से 800 MB तक होती है। इसे फिर 1200 KB प्रति सेकंड की गति से पढ़ा जाता है। इसमें से सूचनाएं पढ़ने के लिए जो ड्राइव उपयोग में लाई जाती है, उसे हम लोग CD रोम ड्राइव कहते हैं। आजकल ऐसे कॉम्पैक्ट डिस्क भी उपलब्ध हैं, जिन पर साधारण फ्लॉपी की तरह डेटा लिखा या पढ़ा जा सकता है, लेकिन उनके लिए CD राइटर नामक उपकरण की ज़रूरत होती है। अपेक्षाकृत महंगे होने के कारण इनका प्रयोग अभी सीमित है। कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग सामान्यतः कंप्यूटरों के साथ किया जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के प्रोग्राम आजकल CD पर ही उपलब्ध होते हैं। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। CD रोम, रीड ओनली मेमोरी, CD रिकॉर्डेबल और CD आर्डेबल, यानी कि री राइटेबल। अब बात करते हैं DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। आजकल CD का एक अन्य परिष्कृत रूप भी उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम लोग DVD कहते हैं। ये कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, ये आपकी DVD। इनकी क्षमता भंडारण क्षमता 2 GB या अधिक भी हो सकती है। इस पर डेटा लिखने या उसमें पढ़ने के लिए एक विशेष ड्राइव होता है, जिसे CD ड्राइव कहा जाता है। क्या कहते हैं? CD DVD ड्राइव। इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है। इसे वर्ष 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का भंडारण करना है।
डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के समान ही होता है, लेकिन यह 6 गुना अधिक तक डेटा भंडारण करते हैं। डीवीडी शब्द के परिवर्तित रूप अक्सर डेटा के डिस्क पर संग्रहण पद्धति को वर्णित करते हैं। डीवीडी रोम रीड ओनली मेमोरी में डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। डीवीडी आर और डीवीडी प्लस आर रिकॉर्डेबल डेटा को सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद एक डीवीडी रोम के रूप में कार्य करते हैं। डीवीडी आर डब्ल्यू री राइटेबल, डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू डीवीडी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा को कई बार रिकॉर्ड कर सकता है और मिटा भी सकता है। डीवीडी वीडियो और डीवीडी ऑडियो डिस्क क्रमशः उचित रूप से संचरित और स्वरूपित वीडियो और ऑडियो सामग्री को संदर्भित करते हैं। वीडियो सामग्री वाले डीवीडी सहित डीवीडी के अन्य प्रकार को डीवीडी डेटा डिस्क भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्लू रे डिस्क के बारे में। ये आपका ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क या ब्लू रे नाम से प्रचलित है, एक ऑप्टिकल डिस्क संग्रहण माध्यम है जिसे मानक डीवीडी प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया है। ब्लू रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीले बैंगनी लेजर से लिया गया है। एक मानक डीवीडी में 650 नैनोमीटर लाल लेजर का प्रयोग किया जाता है, जबकि ब्लू रे डिस्क का कम तरंग दैर्ध्य का प्रयोग करती है। 400 नैनोमीटर वाला नीला बैंगनी लेजर और एक डीवीडी की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक डेटा संग्रहण की अनुमति देता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग उच्च परिभाषा वाले वीडियो प्ले स्टेशन 3D 3P वीडियो गेम्स या अन्य डेटा को प्रत्येक एकल परत वाले प्रोटोटाइप पर 25 GB तक और दूसरी परत वाले 50 GB तक संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यद्यपि ये संख्याएं ब्लू रे डिस्क के लिए मानक संग्रहण को बताती हैं, तथापि एक मुक्त विनिर्देशन है जिसमें ऊपरी सिद्धांतिक संग्रहण सीमा आज पर छोड़ दी गई है। इस डिस्क में स्थित सूचनाओं को किसी भी अतिरिक्त उपकरण या संशोधित फार्मवेयर के बिना पढ़ा जा सकता है। ब्लू रे डिस्क के भौतिक आयाम मानक DVD और CD के समान ही होते हैं। ठीक है, ये थी आपकी ब्लू डिस्क। फिर है आपकी पेन थंब या फ्लैश ड्राइव, जैसे हम लोग पेन ड्राइव, ये तो आप लोगों ने देखी ही होंगी। फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस से बना है जिसमें एक USB यूनिवर्सल सीरियल बस 1.1 या 2.0 अंतराफलक एकीकृत होता है। USB फ्लैश ड्राइव आमतौर पर हटाने योग्य और रीराइटेबल होती है, जो एक फ्लॉपी डिस्क से छोटे होते हैं और अधिकांशतः इनका वजन 30 ग्राम से कम होता है। आकार और मूल्य की बढ़ोतरी के साथ इनकी भंडारण क्षमता भी बढ़ती जा रही है। USB फ्लैश ड्राइव का प्रयोग प्रायः उसी उद्देश्य से किया जाता है जिस उद्देश्य से फ्लॉपी डिस्क का किया जाता है। हिलते हिस्सों के ना होने के कारण वे अपेक्षाकृत छोटे, तेज, हजारों गुना अधिक क्षमता वाले और अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय हैं। लगभग 2005 तक अधिकांश डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटरों की आपूर्ति एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साथ की जाती थी, लेकिन हाल ही में अधिकांशतः उपकरणों ने USB पोर्ट को अपनाते हुए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को त्याग दिया है। फ्लैश ड्राइव USB मॉस स्टोरेज मानक का उपयोग करते हैं जो आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित, जैसे विंडो, MSI, OSX, लिनक्स, यूनिक्स, अन्य सिस्टम है। USB 2.0 समर्थन वाले USB ड्राइव अधिक डेटा संग्रह कर सकते हैं और अपेक्षाकृत एक बड़े ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव से अधिक तेजी से डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं, और इन्हें अधिकांश अन्य सिस्टमों द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो यह आपकी पेन ड्राइव, जिसे हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। फिर है आपकी मैग्नेटिक टेप, ये पुरानी फाइलों का बैकअप लेने के बहुत सुरक्षित और सस्ते साधन माने जाते हैं। ये प्रारंभ से ही कंप्यूटरों में प्रयोग किए जाते रहे हैं
और अभी भी इनका उपयोग किया जाता है। चुम्बकीय टेप का प्लास्टिक का आधा इंच या 12.7 mm होता है, चौड़ा होता है, सैकड़ों व हजारों फीट लंबा फीता होता है जो एक चक्के पर लिपटा होता है। इसकी एक सतह पर किसी चुंबकीय पदार्थों की पतली परत होती है। इस तरह चुंबकीय चिन्ह बनाकर डेटा लिखा जाता है। टैप की एक इंच लंबाई में 800 से लेकर 6250 यानी कि 6050 बाइट तक लिखी जा सकती है। टैप की लंबाई 200 फीट से 3600 फीट तक होती है। चुंबकीय टैप काफ़ी धीमा होता है क्योंकि यह एक क्रमिक माध्यम है। इसका अर्थ है कि इसमें डेटा लिखने या पढ़ने के का कार्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः किया जाता है। हम बीच में से लिखना पढ़ना शुरू नहीं कर सकते। यदि हमें बीच में भरी हुई कोई फाइल पढ़नी हो तो उससे पहले का सारा डेटा धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है, किंतु इन टैपों को विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है। ये सैकड़ों वर्षों तक भी सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग ऐसा डेटा स्टोर करने में करते हैं जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना। चुंबकीय डेट टैप पर डेटा पढ़ने या लिखने का कार्य एक उपकरण के माध्यम से किया जाता है जिसे हम लोग टैप ड्राइव कहते हैं। इसमें दो धुरी होती हैं जिसमें दूसरी पर एक खाली चक्का स्थायी रूप से लगा होता है और पहले पर टैप लगाया जाता है जिस पर डेटा लिखना या पढ़ना है। आजकल चुंबकीय टैप एक छोटा रूप अधिकांश कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। यह साधारण ऑडियो गैसेट के आकार का होता है जिसमें टैप की लंबाई 1/4 inch होती है। लंबाई 600 फीट होती है। इसकी क्षमता 40 मेगावाट से 100 मेगावाट तक होती है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस उनके स्टोरेज के माध्यम व भंडारण क्षमता। ये आपके डिवाइस हो गए, स्टोरेज माध्यम और इनकी क्षमता। फ्लॉपी डिस्क 5.25 inch, ये मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम है इसका 1.2 MB। फ्लॉपी डिस्क 3.5 मैग्नेटिक 80 KB से 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क 8 inch मैग्नेटिक से 20 MB से 80 GB। सीडी रोम ऑप्टिकल 640 MB से 680 MB। डीवीडी रोम ऑप्टिकल 4.7 GB से 17 GB। पेन ड्राइव सॉलिड स्टेट ये आपका 1 GB से 256 GB तक। मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक 60 MB से 8 GB तक। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को इन इंस्टॉलेशन कहते हैं। यदि उपयोगकर्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचनाओं की ज़रूरत हो तो यह रैम में स्टोर की जाती हैं। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 सबसे भीतरी डिस्क होता है। क्या होता है? भीतरी डिस्क ट्रैक होता है। तो ये था आपका 4th number का चैप्टर यानी कि 4th chapter कंप्यूटर मेमोरी। अब बात करेंगे 5th chapter में हम लोग डेटा निरूपण के बारे में। ठीक है।